वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या टॉपिक है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम बोल सकते हैं इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी बोल लेते हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन करी थी कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है विच इज लिंक्ड विद कार्बन इज आल्सो रिप्लेस्ड बाई या आल्सो सब्स्टिट्यूटेड बाई अनदर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, जिनको हम बोलते थे वहां पे फंक्शनल ग्रुप। और उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से मैंने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बहुत सारी फैमिलीज बनती हैं, होती हैं, और उन फैमिलीज की हम केमिकल प्रॉपर्टीज इस अपने प्रेजेंट डिस्कशन में स्टडी करेंगे। पर यहाँ हम ज़्यादा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके सिलेबस में है वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, और कुछ जो फैमिली है एल्कोहल उससे रिलेटेड है। तो बच्चों, तो हम आज के डिस्कशन में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन स्टडी करेंगे, उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे पहले कंबशन रिएक्शन। क्या करेंगे बच्चों? कंबशन रिएक्शन, और इसमें हम कंबशन रिएक्शंस में जो हम करने वाले हैं उसके एग्जांपल भी साथ में करेंगे, इसको समझेंगे कि कंबशन रिएक्शंस होती क्या हैं। फिर करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विद एग्जांपल एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, कंबशन रिएक्शन। क्या है बच्चों पहला टॉपिक हमारे पास? कंबशन रिएक्शंस। दो बच्चों, पहले हम देखें कि जो कंबशन रिएक्शन है वो होती क्या है। जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों, सिंपल कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं? इन रिएक्शंस में हम एक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और इन एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। समझा की बात? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? व्हाट आर कंबशन रिएक्शंस? दीज आर दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। तो जब हम बच्चों हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, जैसे ये मेरे पास CH4, ये हाइड्रोकार्बन ही है, पर कौन सी है? सैचुरेटेड। जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, जब ऑक्सीजन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको स्ट्रॉन्गली हीट करा है, तो ये एक्सेस में है बच्चों, तो ये क्या देता है? ये देगा हमारे पास CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ये देगा हीट एंड लाइट देगा। अब इसको क्या बोलेंगे हम? हीट निकली है, तो ये रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका ध्यान रखना CO2 वाटर और हीट एंड लाइट ही निकलेगी। जैसे हम बात करें बच्चों, जो कंबशन होती है, जो कंप्लीट कंबशन होती है, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है वो होती है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कम है तो उस केस में क्या होती है बच्चों? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो वहां पे जो कलर ऑफ फ्लेम है वो भी चेंज हो जाएगा, और जो फ्लेम होगी सुट्टी होगी, स्मोकी फ्लेम होगी। क्लियर है? तो हम पहले जनरल डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H5OH, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसकी कंबशन कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस गिव्स यू CO2 प्लस, ये एल्कोहल है, इथेनॉल बोलेंगे हम इसको, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। क्या देगा बच्चों? हीट एंड लाइट भी देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हमने इसकी कंबशन करी तो उसके बाद आपका स्टेप रहता है इसको बैलेंस करने का। तो बैलेंस कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल देखो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे है चाहे वो प्रोडक्ट साइड पे, तो यही है ना सबसे बड़ा मॉलिक्यूल C2H5OH, ये रिएक्टेंट साइड पे है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। हाइड्रोजन कितनी है इसमें बच्चों? 6, तो यहाँ पे कितनी है? 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन पूरी। अब ऑक्सीजन देखनी है, 2 × 2 = 4 प्लस 3 7 है, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 7/2, ठीक है, ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे या तो पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन बच्चों, अगर हम बात करें जो कार्बन है, प्योर कार्बन, उसको भी जब हम जलाते हैं तो इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब उसकी कंबशन करते हैं तो वो क्या देता है हमें? CO2 देगा, हीट और लाइट भी देगा, पर यहाँ पे वाटर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। जैसे बच्चों, अब हम बात करें यहाँ पे
कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे बर्न विद ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो जैसे हमारे पास बच्चों ये है CH4, इसको क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोल देते हैं या गोबर गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। जब हम इसकी क्या करते हैं, इसको कुकिंग में भी यूज किया जाता है इस गैस को, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जब हम इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से CO2 और वाटर, हीट एंड लाइट क्या होती है वो मिलती है, क्लियर है। अब जैसे बच्चों हम बात करें और एग्जांपल की, जैसे कंबस्शन रिएक्शन है, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो कंबस्शन रिएक्शन है हम सिंपल कर रहे हैं, जैसे मेरे पास P2H6, इसकी हमने क्या करी कंबस्शन, तो इससे क्या बना हमारे पास, इसका बना बच्चों CO2, ये आपने लिख देना है CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट है ये, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में। तो इसकी अब फिर क्या होती है वैलेंसिंग, कार्बन कितनी है बच्चे 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है 6, तो बैलेंस होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 4, 3, 7, तो इसका भी क्या आएगा 7/2 आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब जैसे हम बात करें C2H4, तो इसकी भी ये अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसकी भी क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा बच्चों वही बनना है CO2 वाटर बनना है, ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट, ये बनना ही बनना है, ठीक है, हीट एंड लाइट। फिर उसके बाद बैलेंस करना होता है इसको, जैसे यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे इसमें कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे बच्चों एक और ले लिया मैंने अनसेचुरेटेड ही C6H6, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, इसकी भी ऑक्सीडेशन, इसकी कंबस्शन ही करी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको क्या करना है स्ट्रॉन्गली हीट सबको करना होता है, हमें पता है ना कंबस्शन क्या बताया मैंने, कंबस्शन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, और इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हीट करना है, तो इससे क्या बनेगा बच्चों CO2 प्लस व्हाट, वाटर एंड हीट एंड लाइट सेम, तो इसके बाद इसको बैलेंस करना है, तो कार्बन कितने हैं इसमें 6, H कितने हैं 6, तो यहाँ पे 2 तो है ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऑक्सीजन कितने हो जाए बच्चे इसमें 6 × 12 एंड प्लस 3 = 15, तो इसको 15/2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्लियर है। या हम एग्जांपल हैं जो ब्यूटेन जो LPG में होता है C4H10, ठीक है, C4H10, इसकी क्या करें हम, इसकी भी कंबस्शन करें, तो क्या करेंगे बच्चों इससे, इससे क्या बनेगा अगेन CO2, ये ध्यान रखना प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, या इसका सीधा लिख लो जो हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं CO2 और वाटर ही बनेगा इसका, और साथ में हीट और लाइट देता है, क्योंकि जो हमारे पास LPG गैस होती है ना उसमें क्या होता है प्रोपेन होती है और ब्यूटेन गैस होती है, क्या होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस होती है, तो ये यहाँ पे ब्यूटेन गैस। अब इसको देखो बच्चों कैसे हम बैलेंस करें, कार्बन कितने 4 और हाइड्रोजन कितने 10, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, ऑक्सीजन कितने हो गए 8 + 5 = 13, तो इसको 13/2 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ ऐसे देखो इसको आप इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर से हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई, किसी को भी कर सकते हो तुम यहाँ पे, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो कैसे किसी को भी कर लेना, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यहाँ पे 2 C4H10 ऐसे भी ये सही है बैलेंस पे है, प्लस 13 O2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा जो 13/2 है मल्टीप्लाइड बाई 2 O2, ऐसे लिखते हैं ना हम इसको, तो ये कट जाएगा, तो ये 13 बचेगा 13 O2। अब इसको हीट का निशान लगा लो, यहाँ 4 × 8 CO2 प्लस 5 × 10 H2O प्लस हीट एंड लाइट, ये तो वही रहना है, ठीक है, तो इससे इस तरह से भी आप इसको बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये भी है, क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों हमने एग्जांपल करे कुछ सेचुरेटेड कुछ अनसेचुरेटेड के, क्या इन दोनों की जो फ्लेम होती है क्या वो क्लीन होती है, क्या दोनों एक तरह के फ्लेम देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं, ठीक है, या येलो फ्लेम देते हैं, तो वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तीन ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीन तरह के बच्चों, कौन कौन से, जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे बर्न विद ब्लू फ्लेम, दे बर्न विद क्लीन फ्लेम इन द
प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गिव रीजन, ठीक है। सेकंड, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे बर्न विद येलो स्मोकी सूटी फ्लेम्स गिव रीजन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो एलपीजी गैस जो होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं, पर सम टाइम वहां पे येलोइश फ्लेम आने शुरू हो जाती है, जैसे जैसे गैस पुरानी होती जाएगी, बर्नर पुराना होता जाएगा, तो बर्नर की बात कर रहा हूँ गैस की नहीं, बर्नर पुराना होता जाएगा तो येलोइश फ्लेम आती है और वो सूटी होती है, वो मतलब कालिख लग जाती है बर्तनों में, तो वो वैसा क्यों होता है। तो तीन तरह के क्वेश्चन अब हम इसमें समझेंगे और इसका रीजन देखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बात करें हम कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म सूटी फ्लेम, सूटी मींस कालिख से, अगर जैसे हमारे घरों में जो बर्नर है उसमें अगर उसके जो होल होते हैं ना बर्नर में छेद होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो रहे हों या उसमें कार्बन जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, तो वो जो होल होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसमें जो ऑक्सीजन जो हेल्प कर रही है उस गैस को बर्न करने में, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा कम। और हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस में क्या होगा जो बर्निंग होगी वो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है उस हाइड्रोकार्बन की, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, और वो क्या देता है आपके पास, क्या देगा बच्चों, सूटी फ्लेम देगा। सूटी का मतलब कालिख साथ में आएगी, येलो भी होगी सूटी भी होगी, क्लियर है। अब जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे बर्न विद येलो स्मोकी फ्लेम, दे बर्न विद येलो स्मोकी फ्लेम, अब दो क्वेश्चन तो यहां पे आ रहे हैं, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो उसको भी हम इसी में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे बच्चों इसको समझें पहले, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो, समझा गया बात, जैसे C6H6 इसका स्ट्रक्चर पता है ना, ये बेंजीन बना दी मैंने समझाने के लिए, ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है बट इट इज अगेन अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट पोजिशन पे क्या है, इसके डबल बॉन्ड है H, 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 इसलिए C6 है, या कोई भी ले लो आप, जैसे C, ट्रिपल बॉन्ड, C, H, ये भी अनसेचुरेटेड है, या हम बात करें H लिख दो यहां पे, ये भी अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, समझा रही हो, जिसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, उसको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये येलो स्मोकी फ्लेम क्यों दे रहे हैं, तो ये येलो स्मोकी फ्लेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखो बच्चों इसमें कार्बन कंटेंट कितना है, 50% है, 50% हाइड्रोजन है, 50% कार्बन कंटेंट है, इस केस में कितना है बच्चों, इसमें भी 50% है, और इस केस में कार्बन कंटेंट अब थोड़ा सा क्या है कम है, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके निकाल सकते हो तुम कितने परसेंट हो गया बच्चों, ये इसका C2H6 है, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास आएगा, करके देख लेना कैलकुलेट, तो इतना रहेगा। तो बच्चों अब ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे बर्न्स विद दिस सूटी फ्लेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, जो कार्बन कंटेंट है वो ज्यादा होगा इसकी वजह से यहाँ पे सूटी फ्लेम, क्योंकि कुछ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल भी आएंगे जब बर्निंग होगी तो वहां पे ये क्या देंगे सूटी फ्लेम, जो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल निकल रहे हैं वो कालिक देंगे, सूटी शूट देंगे, मींस कालिक देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास कैंडल भी येलो फ्लेम के साथ जलती है, तो इसका मतलब वो भी क्या करेगी, वो उसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, तो उसमें वो रीजन देना है। और इस केस में जो कार्बन कंटेंट है वो क्या है बच्चों, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एज कम्पेयर टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लाइक बेंजीन, ठीक है, वो क्या देगा बच्चों, वो येलो स्मोकी फ्लेम देता है। अब हम देखें आगे बच्चों, द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज इनलेट ऑफ एयर दैट बर्न्स, और वो क्या देते हैं बच्चों, ब्लू फ्लेम देते हैं, तो वहां पे सफिशियंट है। अगर हम एक चीज और देखें यहाँ पे, जैसे C4H10 मैंने बोला, या C3H8, ये ब्यूटेन है बच्चों, ये प्रोपेन है, ये किसमें यूज होती है, ये एलपीजी की जो गैसेस है उनमें यूज होती है, ये क्लीन फ्लेम क्यों देते हैं, ये क्या है सैचुरेटेड है, कैसी है बच्चों, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन कंटेंट कितना रहेगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट 30% रहेगा,
अप्रोक्सीमेट कितना है इसमें 30%, कैलकुलेट कर सकते हो 30% के आसपास आ जाएगा, और इसमें भी कम है तो इसलिए ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन दिख ही रहे हैं थे, 10 है इसमें 8 है, यानी सी ने 4 नंबर लिए इसने 10 लिए, तो परसेंटेज तो इसी की ज्यादा आएगी इसकी कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज जो हम निकालते हैं कार्बन कंटेंट जो है इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्या है, बहुत कम होते हैं, और अगर एक्सेस ऑक्सीजन अवेलेबल है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ दीज गैसेज तो दे बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ वो बर्न करती है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो कोल और पेट्रोलियम है दे प्रोड्यूस CO2 विद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, सल्फर के SO2, SO3, इस तरह के ऑक्साइड बनते हैं, तो ये बच्चों एक पोल्यूटेंट का काम करते हैं, इसका काम करते हैं पोल्यूटेंट का काम करते हैं, क्योंकि जब ये वाटर वेपर के साथ जब ये गैसेज जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन है व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर वेपर दे फॉर्म एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे और दे काउज एसिड रेन, क्या होगी एसिड रेन हो जाएगी जो हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये जो है पोल्यूटेंट का काम करते हैं, इवन जो वुड है कोल है उनमें भी सूटी फ्लेम निकलती है धुओं के साथ, क्योंकि उनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है और जो ऑक्सीजन है वो भी क्या होगी वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वहां पे फिर पोल्यूशन होगा, समझा की बात। इसलिए क्लीन फ्यूल का यूज किया जाता है, जैसे LPG होगी तो उसका यूज किया जाता है घरों में। अब बच्चों हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, यही रिएक्शन है इसलिए हम इसी को कर रहे हैं आपके सिलेबस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4 और H2O5 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इट गिव्स यू इथेनोइक एसिड ऑन हीटिंग। अब बच्चों ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे हम बात करें सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझें कि हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस में वो ऑक्सीजन ऐड करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन ऐड करवाने में हेल्प कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो एल्कलिन KMnO4 है और जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमारे पास ये CH3CH2OH है इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। जैसे यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, ये एल्कलीन KMnO4 है, ठीक है, इनके KMnO4 लिए हमने उसमें बेस डाल दिया, कुछ ड्रॉप बेस की डाल दी, ठीक है, तो ये एल्कलीन KMnO4 होना चाहिए तो ये क्या बनाएगा बच्चों इथेनॉइक एसिड CH3COOH, ठीक है, प्लस H2O देगा ये साथ में, ठीक है। अगर ऐसे भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो CH3CH2OH, एथेनॉल है इसका फार्मूला है, और यहाँ पे बच्चों या तो तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसको ले सकते हो, तो इससे भी वही बनना है CH3COOH प्लस H2O, ठीक है, तो H2O इस तरह से ये बनेगा, क्लियर है बच्चों। तो इसने क्या बनाया है इथेनॉइक एसिड बना देते हैं जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करना है तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर है। तो ये आपके सिलेबस में है तो इस रिएक्शन को याद कर लेना, आप किसी एक से लिख सकते हैं दोनों से भी लिख सकते हैं। तो सिंपल क्या हुआ ऑक्सीजन की एडिशन किसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन ऐड करवाने में हेल्प करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देन बच्चों हम करेंगे एडिशन रिएक्शंस, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। अब ये जो एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन का मतलब जमा करना, तो ये एडिशन रिएक्शन में कोई ये हम जो मैं तुम्हें एक बताऊंगा आपके सिलेबस में क्या है, ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपके सिलेबस में है, तो हमने वही इसमें करना है। तो इसमें जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों इन अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड
वो होती क्या है, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, निकल की प्रेजेंस में होगी कैटलिस्ट की, या तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में होगी, दो दोनों ही कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो बच्चों, तो इसको जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास एग्जांपल है, इसको क्या बोलेंगे हम, कैटालिटिक, क्या बोलेंगे इसको, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मींस हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें मैंने क्या बोला, तुम्हें लर्न क्या करना है बच्चों, जो अनसेचुरेटेड होते हैं, जैसे ये अनसेचुरेटेड है ना, इथीन, क्या है अनसेचुरेटेड है, मींस ये डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, उनको हमने क्या करना है बच्चों, उनको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब जैसे ये बच्चों डबल बॉन्डेड है, ये इथीन था, इसमें क्या हुआ हाइड्रोजन ऐड करिए, H2 गैस ऐड करिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड आगे कार्बन में, और ये जो दो हाइड्रोजन थी रेड कलर की यहाँ पे आपको दिख रही है वो ऐड हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेचुरेटेड में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आंसर बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वी कैन कन्वर्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब एडिशन रिएक्शन तो ऐसे भी हो रही है, जैसे अगर हम नॉलेज की बात करें बच्चों बढ़ाने की, यहाँ पे भी ये जो Br2 है ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, कैसे टूट जाएगा बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट Br फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जैसे Br2 है ना, इसमें कैटालिटिक कौन सा बॉन्ड है, इसमें इसमें बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, जब ये टूटेगा बच्चों तो ये जो शेयर किया होता है ना इलेक्ट्रॉन, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन था वो आप इनके पास आ जाएगा, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि अब यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड, तो हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे बच्चों ये Br फ्री रेडिकल आ गया, ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस कार्बन के साथ इस तरह से जुड़ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड खींच लिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने लिया है और ये इस साइड मूव कर गया। जैसे Br दूसरा फ्री रेडिकल आया तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही एक, ये बोलता है भाई तू ऐसे जुड़ा है तो इस मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जा, तो ये फिर यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, सिंपल है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन हुई है पर इसमें कोई बाहर बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, बस आपने ध्यान रखना नीचे वाली एडिशन। तो इसको हम करेंगे कैसे, नेक्स्ट जो है बच्चों ये, अब कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू अकर और टू प्रोसीड टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इन इट, तो ये कंज्यूम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने क्या करा, उस रिएक्शन रेट को चेंज करा है, स्पीडअप करा है, एनहांस करा है या चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, वो रिएक्शन प्रोसीड हुई है पर ये उस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, लास्ट में ये दोबारा एज इट इज ही बन के आता है, पार्टिसिपेट तो करा उसने पर वो लास्ट में वो कंज्यूम नहीं होता, वो उतना का उतना ही रहता है, बस उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है। तो बच्चों तो इसमें जैसे मैं तुम्हें एक एक इसको पहले समझ लें एक बार, कि जैसे हमारे पास ये जो दो एग्जांपल मैं यहाँ समझा देता हूँ पहले इसको, फिर इसके चलेंगे, बिल्कुल आसान है ये। जैसे बच्चों सी डबल बॉन्ड सी अनसेचुरेटेड है ना, एच एच यार मैंने ट्रिपल बॉन्ड ही बना दिया, क्लियर है, तो इसमें क्या करें बच्चे, मैंने इसकी एडिशन करी है हाइड्रोजन, तो पता है कैसे करनी है, मैंने क्या बोला या तो निकल लिख लो ये कैटालिस्ट है या प्लेटिनम कैटालिस्ट है, तो इसको दो स्टेप में भी तुम कर सकते हो, इसको हीट तो तुम्हें करना ही है, हीट का निशान ट्राइंगल की तरह होना है। तो यहाँ पे पहले में क्या होगा बच्चों, एक है ना इसमें यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये स्टेप में चलेगा एच 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 एच, समझना है, फिर इसमें क्या हुआ दोबारा बच्चों, हाइड्रोजन हमने दोबारा डाल ली, तो इसमें क्या हुआ अगेन इसी कैटालिस्ट में निकल या पीटी है कुछ एक, कोई एक लेना है। अब यहाँ पे अभी एक बॉन्ड और है ना इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन गया एच एच, यहाँ पे लिख सकते हो, लग गया पता, अगर इसको सिंगल स्टेप में लिखना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंगल में लिखना हो तो पता लग गया कैसे लिखोगे, तो सिंगल में लिखना हो तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच यहाँ पे प्लस 2H2, इसको ऐड कर दिया हमने, एक H2 यहाँ था एक H2 यहाँ, 2H2 दिस गिव्स यू यहाँ पे निकल या पीटी कुछ भी लिख दो और इसके बाद यहाँ पे इसको बना दो। तो इस तरह से ये अनसेचुरेटेड था, जैसे इसमें अनसेचुरेटेड था हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाला तो
अगेन ये अनसैचुरेटेड था, ये एल्कीन थी, ये एल्काइन है और ये एल्केन बन गई। समझा की बात, जो एल्कीन और एल्केन है, एल्कीन और एल्काइन है वो अनसैचुरेटेड है और ये जो एल्केन है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? तो बच्चों इस रिएक्शन का जो यूज होता है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन का जो यूज होता है, ये पूछा जाता है आपको क्वेश्चन। ये जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, जैसे पहले हम समझें कि ऑयल और जो घी है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो बच्चों ऑयल होता है, ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। क्या होता है? ऑयल अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड ऑयल के जो फार्मूला है उसमें जो कार्बन कार्बन है उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है, सीसी डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि प्रेजेंट क्लास में हम इस फार्मूले को डिस्कस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंपल समझो कि जो ऑयल होता है वो क्या है, अनसेचुरेटेड होता है और कहीं ना कहीं जो कार्बन कार्बन आएंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है? और जो घी होता है बच्चों वो क्या है, वो है सैचुरेटेड। वो क्या है? सैचुरेटेड, यानी कि जो घी में जो कार्बन कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना दोनों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन तो रहेगी, तो जो घी है उसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है? तो जो एडिशन रिएक्शन है, मींस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, मींस कैटालिटिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं निकल कैटालिस्ट की, इस रिएक्शन का हम क्या यूज कर सकते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल है जो अनसेचुरेटेड है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें भाई, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं घी में। जैसे डालडा हम ब्रांड है, कोई और है वनस्पति घी बोलते, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस कि जो ऑयल है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट हम या प्लेटिनम कैटालिस्ट उसको उसकी एडिशन करेंगे हाइड्रोजन की उसमें, और उसमें क्या बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में। जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल था इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। ठीक है बच्चों? तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे जनरल यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट या वेजिटेबल घी इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तो इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो तुम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। क्या लिख सकते हो? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो कैटालिस्ट यूज होगा इसमें निकल और प्लेटिनम, ध्यान रखना। तो बच्चों जैसे ये मेरे पास जनरल फार्मूला है, आर का मतलब क्या, इसमें एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। आर क्या है बच्चों? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये हमने होमोलोगस सीरीज में डिस्कस कर रखा है, तो आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो आर का मतलब क्या बच्चों? एल्काइल ग्रुप है और ये क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसमें जब हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और उसको हीट करना जरूरी है, तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों, ये एच यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इससे क्या बन जाएगा, सीसी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एच जुड़ गया, तो इसको क्या बोले हम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे सिंपल है सी आर आर इस तरह से बना सकते हो, तो हम इसको डबल बॉन्ड सी आर आर। ठीक है? आर आर इसके में क्या डाला बच्चों तुमने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट हीट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, आर आर तो रहने दो ऐसे ही, और एच लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो जरूरी नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पर इसके साथ ही लिखना है, एच कार्बन के साथ बॉन्डेड है फॉर्म में। तो ये क्या हो गया बच्चों, वेजिटेबल घी बन चुका है। क्लियर है? तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है बच्चों जो अनसेचुरेटेड है वो हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, और जो अनसेचुरेटेड फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सैचुरेटेड फैट है वेजिटेबल फैट जो होगा वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। क्लियर है? हम बात करें बच्चों एडिशन रिएक्शंस की कुछ और एग्जांपल की, तो एडिशन रिएक्शंस के और भी एग्जांपल होते हैं। जैसे मैं बात करूँ जो रिएक्शन हम वहां लिख रहे थे, हाइड्रोजन की एडिशन ही नहीं, कोई और कंपाउंड भी ऐड हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ बच्चों यहाँ हम जैसे ये एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे H H H यहाँ पे मैंने क्या करा, ब्रोमीन डाल दी। ठीक है? ये कलर्ड कंपाउंड होता है, रेडिश येलो या ऑरेंज रेड कलर का होता है ब्रोमीन, जो है Br2, इसको डाला। इसको मैंने बच्चों लाइट की प्रेजेंस में ही डालना होता है, जैसे हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो Br2 है वो किसमें टूट जाएगा बच्चों, यूवी की प्रेजेंस में, Br3 रेडिकल। दो बना दिया हमने अलग अलग से समझने के लिए। फ्री रेडिकल मतलब, दोबारा मैं यहाँ बता दूं तुम्हें कि जो Br है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है बच्चों आपस में, ठीक है, और इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में Br में भी, ठीक है, क्योंकि ये हेलोजन क्लोरीन फैमिली का मेंबर है या हेलोजन का मेंबर है।
तो ऐसी शेयरिंग थी इनकी, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा था, पर ये क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इट गेट ब्रेक डाउन, ये जो बॉन्ड था इनका ये टूट गया है और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बना रखे। अब ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, अब ये क्या करेंगे बच्चों, जैसे मेरे पास यहाँ पे, या इसको मैं और ज्यादा दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। यहाँ पे बच्चों जैसे मेरे पास क्या है, कार्बन है, तो इसका मतलब यही है ना, यहाँ पे H लिख दिया मैंने, H, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, जो किसके इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो कार्बन कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के मैंने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हम इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बी आर जो फ्री रेडिकल है वो आया, इसने क्या करा बच्चों, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही है, ठीक है, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, पर इसका इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहाँ आ गया है, और बी आर ने इसके साथ क्या करा, बी आर इसके साथ जुड़ गया, क्या हो गया, बी आर इसके साथ जुड़ गया ऐसे, बी आर, ठीक है, बी आर ने ऐसे बॉन्ड बना दिया। अब क्या हुआ, ये तो एच एस तो था ही पहले, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी साइड पे गया है, तो दूसरा बी आर है, अभी एक और बी आर है ना फ्री रेडिकल, वो भी क्या करेगा, ब्रोमिनेशन होगी इसकी भी, तो ये क्या करेगा, उसके साथ दूसरे वाले के साथ इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, इसकी ब्रोमिनेशन होगी और ये कलरलेस हो जाएगा, तो यहाँ भी एडिशन हुई है। तो इस तरह से आप और रिएक्शन भी कर सकते हैं, पर आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है आपके पास एडिशन में 10th क्लास के सिलेबस में। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम करें वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, पहले तो इनको समझे हम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों, जैसे मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ये इसको ले लिया हमने एक्स वाई जेड, एच 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 मीथेन लिख दिया हमने सपोज, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, कोई कोई भी आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आ गई कोई स्पीसीज है, ये क्या करेगी, ये जुड़ जाएगी और ये रिमूव हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई नई एलिमेंट जुड़ेगा, एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, पर वहां से कुछ रिप्लेस भी होगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल By another atom or group of atom is known as substitution reaction. तो इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। जैसे बच्चों हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये क्या है, CH4 plus chlorine in the presence of UV light. ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगी बच्चों, ये देगी आपके पास, ये देगी पहले स्टेप में, जैसे यहां से क्लोरीन, ये Cl2 है, यही समझ लो इसको, तो ये पहले क्या करेगा बच्चों, Cl2 जो है, ये Cl2 है ना, ये किस में टूटेगा, Cl फ्री रेडिकल में।